الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروس شريف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس دنیا میں زندگی کے گزارنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا دیا گیا وہ عام طریقوں سے بہت ہٹ کر ہے ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے آنکھ کھولتا ہے موت تک کی زندگی اس کی اسی دنیا میں گزرتی ہے لیکن یہ اپنی زندگی کی دن راتیں کس طرح گزارے گا اس طرز زندگی کو ایک معیاری طرز زندگی بنانا ایک خوبصورت طرز زندگی بنانا ایک مثالی زندگی بنانا یہ ہمارے اس مبارک دین اسلام کی خصوصیت ہے معاشرت تو ہر انسان کے ساتھ جڑی بھی ہے جیسے ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ بھئی افریقہ کے جنگلات میں آج بھی ایسے لوگ بستے ہیں رہتے ہیں کہ جو آدم خور ہوتے ہیں انسان ہیں لیکن انسان کا گوشت کھاتے ہیں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو بے ستر زندگی گزارتے ہیں جسم کا ستر نہیں کرتے جسم کو چھپاتے نہیں ہیں کچا گوشت کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں اور سارے کام جو آج ایک تھوڑا سا سمجھدار انسان بھی اس کو سن کے اس سے گھن کرے اس پہ بوجھ لگے ایسے کام آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر بسنے والے انسان کر رہے ہیں وہ بھی معاشرت ہے معاشرت کے معنی زندگی کیا گزارنا لیکن اب مسئلہ یہ ہے میرے عزیز و دوستو بزرگو کہ چونکہ ہم صرف انسان نہیں ہم وہ انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے ایک خصوصیت دی ہے اور وہ خصوصیت ایمان کی خصوصیت ہے
इस ईमानी खुसूसियत ने हमें हर चीज़ में नुमाया कर दिया है, मुमताज़ कर दिया, मेयारी बना दिया। इसलिए हमारे सामने जब भी बात आती है कि हम कहते हैं भाई अपनी ज़िंदगी के हर काम में, हर अमल में, हर मौके पर, हर फैसले में दीन को मुकद्दम रखें। बाज़ दफ़ा जहन में एक शुबा आता है, बाज़ लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं कि ये क्या बात है कि आप लोग जहाँ बात होती है, जो काम होता है, जो मामला होता है, कहते हैं भाई इस्लामी फ़लाँ, इस्लामी फ़लाँ, इस्लामी फ़लाँ, तो क्या इंसानियत के कुछ तकाज़े नहीं हैं इस्लाम से हट के? इसका जवाब समझे दोस्तों, दीन इस्लाम अब क़यामत तक रहने वाला वो वाहिद अकलौता दीन है जिसमें इंसानियत के सिर्फ तकाज़े नहीं, ज़रूरियात नहीं, बल्कि उनके तकाज़ों और ज़रूरियात का आला मेयार पे ख्याल रखा गया। मिसाल के तौर पे हम सुबह निकलते हैं सब्ज़ी ख़रीदने घर के लिए। अब देखिए ना, ये तो एक कॉमन सी आसान सी बात है ना, चाहे कोई बंगले में रहता है, चाहे कोई झोंपड़ी में रहता है, जब वो सब्ज़ी ख़रीदने जाता है तो आपने एक बात देखी होगी, हम सब्ज़ी बेचने वाले उस साथी से क्या कहते हैं, यार ज़रा अच्छे मेयार के टमाटर दिखाओ। कहते हैं नहीं कहते? टमाटर ख़रीदने वाला अगर बहुत ही हाई फाई आदमी हो या कमज़ोर गरीब आदमी हो मेरी तरह, उसने कहना यह है कि मुझे अच्छे से दिखाओ। सब्ज़ी ख़रीदते हुए मुझे, मेरा जहन ये कह रहा है, मेरी फितरत मुझे कह रही है, मेरी इंसानियत मुझे कह रही है कि कभी सड़ी हुई, गली हुई, बेकार, रद्दी चीज़ नहीं उठाओ, अच्छे से दिखा दो। कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो कपड़े वाले से कहते हैं ज़रा मेयार वाला कपड़ा दिखाओ, इम्पोर्टेड दिखाए। सवाल ये है कि अगर मुझे सब्ज़ी और टमाटर ख़रीदते हुए मेयारी चीज़ चाहिए, मुझे लिबास ख़रीदते हुए मेयारी चीज़ चाहिए, मुझे खाने पीने की चीज़ ख़रीदते हुए मेयारी चीज़ चाहिए, तो ज़िंदगी के गुजारने का जो एक ढंग और सलीका है इसमें मैं क्यों गिर जाता हूँ? आसान अल्फाज में समझ लें कि अब इस दुनिया में तर्ज़ ज़िंदगी माशरत का सबसे मेयारी और आला क्वालिटी का इम्पोर्टेड तरीक़ा वो है जो दीन इस्लाम ने दिया है। इसके बग़ैर जितनी मुआशरतें हैं उसमें हैवानियत के अनासर शामिल होते जा रहे। दीन इस्लाम की बात इसलिए हम हर जगह पे करते हैं और करेंगे कि इस्लामी तर्ज़ मुआशरत वो वाहिद मुआशरत है, वो ज़िंदगी के गुजारने का वाहिद खुसूसी तरीक़ा है जिसने हमें एक मेयार और क्वालिटी दी है, ज़िंदगी के गुजारने का एक मेयार दिया है, ऊंच नीच सिखाई है, हर जगह, हर महल, हर मौके के आदाब इखलाक बताएं। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जब इस्लामी तर्ज़ मुआशरत ख़त्म होती है, मुआशरत तो है लेकिन इस्लामी तर्ज पे नहीं, ज़िंदगी तो गुज़र रही है लेकिन इस्लामी तर्ज पे नहीं, तो उसके नतीजे में जो ख़राबियाँ, जो बीमारियाँ, जो अमराज पैदा होते हैं उसी से आपस में इंतशार और खलफशार की फ़िज़ा बनती है। आज ये दिलों की जो एक बेचैनी सी है, हम दो साथ कुर्सियाँ लगी हुई है, टच हो रही है, अब हम दो साथी साथ बैठे हुए हैं,
इतने करीब हैं लेकिन दिलों में मशरिक़ व मगरिब के फासले हैं। रहते एक साथ हैं, ज़हन एक दूसरे से दूर हो गया। मेल मुलाकात में ज़ाहिरी चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है लेकिन अंदर से ये दिल जो है ना, ये एक दूसरे से आज नाराज। उसकी बुनियादी वजह क्या है दोस्तों? मुआशरती ज़िंदगी की वो ख़राबियाँ आज पैदा हो गई जिसको हमने समझा हल्का, हल्का लिया उसको, और उसके नतीजे में दिलों में दूरी आती चली गई, बहुत आता चला गया। इसीलिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है और जिसके नुकसानात हम दिन ब दिन देखते हैं, महसूस करते हैं, और जिसकी वजह से उम्मत परेशान होती जा रही है, वो क्या है? वो है बदएतमादी का मिजाज और बदएतमादी का माहौल पैदा करना। किन से? अपने उन बड़ों से, अपने उन मुसलिहीन से जो हमारे हकीकतन खैरख्वाह है। ये तो एक तरीक़ा वारदात है। चोर जब किसी जगह चोरी करता है, डाकू जब डाका डालता है, मुजरिम जब जुर्म करता है, ये बात याद रखें कि ज़माने के साथ साथ एक चीज़ आप देखते हैं कि हर जुर्म, हर गुनाह के नित नए तरीक़े सामने आते हैं। पहले लोग कहते थे भाई जेब कतरे होते हैं, है ना? उनको ऐसी महारत होती है कि वो आपकी जेब काट लेंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा। तो लोगों ने क्या कि जेब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी, है ना? मर्द हजरात जो है वो अपने नीचे के लिबास में जेब बनाने लग गए। लेकिन ये भी सुनने में आया कि बाज ऐसे माहिरीन फ़न आए कि वो वहाँ की जेब भी मार लेते थे। अब अकल में तो नहीं आ रहा ना, जो चीज़ मेरे जिस्म से रान से लग रही है वहाँ तक किसी का हाथ जाए, मुझे महसूस ना हो और काम भी हो जाए। इसलिए कि जितना आप अपने जहन को आगे ले जाएंगे उतना उसके मुकाबले में जुर्म का जहन भी आगे जाएगा। अब वो चीज़ें पुरानी हो गई, हम जदीद हो गए। लोगों ने कहा भाई जेब में बड़ी रकम मत रखें, घर में बड़ी रकम मत रखें। कहाँ रखें? का अपना अकाउंट बनाएं, बैंक में अकाउंट खोलें, एटीएम कार्ड रखें, जहाँ ज़रूरत हो उसको निकाल के इस्तेमाल कर लें। लेकिन आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, सुनते हैं कि इस जदीद और ऐसे डिजिटल निज़ाम के अंदर भी क्या कुछ होने लग गया है दोस्त। उन अकाउंट्स में, उन खातों में, उन चीज़ों में भी सब कुछ हो रहा है। इसलिए कि जब हम जदीदियत की तरफ गए तो उसका जो मुजरिम था उसने भी उसके लिए रास्ता ढूंढा कि मुझे कार्रवाई कैसे करनी है। तो इंसान मुहज़्ज़ब बनेगा तो मुजरिम भी मुहज़्ज़ब तरीके पे आ जाएगा। ये सारी दास्तान इसीलिए बनती है कि जब हम तर्ज़ मुआशरत के साथ इस्लाम की कैद को पसंद नहीं करते, जब मुसलमान मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारता है और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ मुआशरत को इख्तियार करता है, तो इसके अंदर एक एहसास पैदा होता है जिसको फ़िक्र आखिरत कहते हैं दोस्त, फ़िक्र आखिरत। और ये वो एहसास है कि याद रखें कि फिर उसके सामने सोने चांदी के ढेर लगे होंगे लेकिन वो उसको देखना गवारा नहीं करेगा, हाथ लगाना गवारा नहीं करेगा। कहेगा भाई मुझे अल्लाह पाक को जवाब देना है, मेरा एक एक अमल लिखा जा रहा है, एक एक चीज़ का खाता खोला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। अब देखिए ना, ये सोच
और ये जहन साजी हो गई कि आप एक आम इंसान नहीं, आप एक ख़ास इंसान है जिसको मुसलमान कहते हैं। आपकी ज़िंदगी आम ज़िंदगी नहीं, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी है जो ख़ास क्वालिटी वाली है। अब इसके लिए न किसी ट्रेनिंग कोर्स की ज़रूरत है, न कोई टीचिंग की ज़रूरत है, न इसके लिए कोई सिक्योरिटी फोर्स बनाने की ज़रूरत है, न इसके सर पे डंडा रखने की ज़रूरत है, न गार्ड खड़ा करने की ज़रूरत है। इसके अंदर बैठा हुआ इसका एहसास इसको उस जुर्म से रोक देगा, वो इसको रोक देगा। तो बातिल की जो मेहनत है दोस्तों, वो भी हर ज़माने के एतबार से इंसानी मिजाज को देखकर तब्दील होती है। इतने 1400 साल में जो फितने इस उम्मत पर आए, हर उनवान पे आया, अजीब व गरीब अंदाज से, अजीब व गरीब उनवान से, अजीब व गरीब शक्ल से आया, सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि आज 1400 साल पूरे हो रहे हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत को, उम्मत जिंदा है, दीन का पैगाम जिंदा है, हर जगह मौजू इस्लाम बना हुआ है। उसकी एक बहुत बड़ी और अहम वजह यह है कि इन सारी कमज़ोरियों, कोताहियों, बदअमालियों के बावजूद भी इस उम्मत के अंदर एक मिजाज वदीअत रख दिया गया है अंदर इसकी सरिश्त में, और वो है अपने बड़ों पर, अपने अकाबिर पर, अपने मुस्लिहीन पर एतमाद करना। ये उम्मत एतमाद के साथ चली है और चल रही है। इसलिए अब जो वार हुआ है, अब जो वार हो रहा है, मेरी बात बहुत गौर से ले दोस्तों, अब जो फितना उम्मत को इस वक्त दरपेश है कि आम तबके को उनके मुस्लिहीन से बदजन कर दिया जाए, इसके लिए न तलवार उठेगी, न हथियार उठेगा, न कोई फौज आएगी, जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको कहा जाएगा नहीं जी मस्जिद नहीं जाना है, आप पर पहरा नहीं बिठाया जाएगा कि आपने आलिम की बात नहीं सुननी है, आप पे कोई केस नहीं बनेगा कि जी आपने तबलीग में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, ऐसा माहौल साजगार किया जाएगा, ऐसी फिजा बनाई जाएगी, ऐसी बातें पैदा की जाएंगी कि जिससे इंसान के इस जहन के अंदर बदएतमादी और बदएतमादी से बदगुमानी के जज्बात आए। और ये इंसान अपने बड़ों से, अपने खैरख्वाह से बदगुमान हो जाएगा। और इंसान जब अपने मुखलिस को, मुहसिन को अपना बतखवा समझने लग जाए तो समझ जाए कि ये इसकी महरूमी का आगाज हो चुका है। इसलिए मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूं, आप जरा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया और उनके लिए उनकी अहलिया अम्मा हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया, तो हर मुसलमान इससे वाकिफ है कि शुरू में इनको कहाँ पर रखा गया, किसी को पता है? जन्नत में रखा गया। एक तवील अरसा इनको जन्नत की रिहाइश दी गई, इनको जन्नत की सुकूनत दी गई, आप जन्नत आपका ठिकाना यही रहे। कुरान करीम में जगह जगह इसका जिक्र है, आप भी और आपकी बीवी जन्नत में रहें, अल्लाह पाक ने फरमाया था ना। लेकिन सिर्फ एक एक शर्त लगाई थी, एक मुमानअत लगाई थी, वो क्या थी? वला तक़रबा हाज़िही शजरा, पूरी जन्नत में रहो, खुशी से रहो, जहां जाना है जाओ, घूमो फिरो,
लेकिन एक बात की याद दहानी अल्लाह पाक ने करवाई, देखो इस पौधे के करीब नहीं आना, ये तो आप हजरत ने सुना है ना, एक चीज से मना किया गया, वला तकरबा हाजिह शजरा फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, इसके करीब नहीं आना वरना नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। जन्नत में है तो सबसे पहले इस कायनात में जो शर की बुनियाद रखी वो शैतान है, अल्लाह की बारगाह से महरूम होने वाला। जब खुद महरूम हुआ तो उसने कहा कि अब ये कैसे कि मैं महरूम और मिट्टी से बना हुआ इंसान जन्नत का रिहायशी, उनको तो निकालना है। अब निकाले कैसे निकाले, आदम अलैहिस्सलाम पाक है, अम्मा हव्वा पाक है, अल्लाह के मकबूल बंदे, कमज़ोर ईमान तो है नहीं कि उनको बातों में ले आए। अब देखे बात पे गौर करें, बदगुमानी पैदा करने के लिए भी कुरान से समझ में आता है, कुरान समझे ना आपको जिंदगी का ढंग समझ में आएगा। बदगुमानी पैदा करने के लिए भी ये देखा जाता है कि सामने वाले का मिजाज क्या है। जरूरी नहीं होगा कि आपको किसी से बदगुमान करने के लिए आपको कोई भी कहानी सुना दी जाए, नहीं, हर इंसान का मिजाज अलग है दोस्तों। कोई इंसान वो होता है जो खालिसतन दुनियादार होता है, उसके अच्छे बुरे का सारा दारोमदार दुनिया पर होता है, लिहाजा अगर उसको किसी से बदगुमान करना हो तो उसको कहा जाएगा यार फलां जो है ना वो तुम्हारे साथ कारोबार में डंडी मार रहा है, फलां जो है ना वो मार्केट खराब कर रहा है, ऐसा होता है ना ये बातें जो होती है। अब ये कलिमात उसको कहे जाएंगे जिसका मिजाज दुनियावी है। एक इंसान वो होता है जिसका मिजाज खालिसतन इल्मी होता है, वो इल्म की दुनिया का आदमी है, हर वक्त किताबों में बैठा हुआ है, उस आलिम को बदजन करने के लिए तरीका भी इल्मी चाहिए होता है। लिहाजा उसको कहा जाएगा कि जी फलां जो है ना फलां आलिम फलां मौलवी फलां वो उसने ये कहा है उसने ये कहा है उसने ये कहा है। अब चूंकि ये है इल्मी मिजाज का, इसको बदगुमान करने का तरीका भी इल्मी इख्तियार किया गया। कुछ समझ में आ रही है बात दोस्तों? अब असल बात पे आ रहा हूं। अब बदएतमादी और बदगुमानी पैदा करनी थी किसमें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम में, और वो भी किससे पैदा करनी थी, वो बदगुमानी भी किससे पैदा करनी थी, अल्लाह ताला से। तो आसान तो नहीं था। अब मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि ये शख्स जो बदगुमानियां पैदा करता है ये हमेशा मिजाज को पहले लेता है कि मैं रास्ता कैसे बनाऊं, अपने लिए सुरंग कैसे निकालूं। उसके लिए सामने वाले का मिजाज लें कि इसके नजदीक अच्छे और बुरे का मेयार क्या है, खैर और शर का मेयार क्या है। तो पता था कि आदम अलैहिस्सलाम कोई दुनिया तलब तो है नहीं, दुनिया परस्त तो है नहीं कि दुनिया बता बता के उनको बदगुमान किया जाए। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए और अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी है। उनकी चाहत यह कि कभी भी मुझसे ये ठिकाना ये जन्नत वापस न ले लिया जाए, है ना? तो हमला भी इस अंदाज से किया कि क्या कहा सूरह ताहा कुरान करीम में, शैतान आया आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा हल अदुल्लु का अला शजरतिल खुल्द व मुल्क ला यबला। ए आदम, आपको एक बात नहीं कहूं, क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी चीज आपको दे दी जाए जिससे आप हमेशा हमेशा जन्नत के हो जाएं? क्या आपको एक ऐसा काम न बता दूं
कि आपको ऐसी बादशाहत और ऐसी ताकत मिल जाएगी कि ला यबला, जिसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। अब ये जो आपके दिल में हर वक्त एक खौफ है कि अल्लाह के क़ुर्ब से महरूम ना हो जाऊँ, जन्नत से महरूम ना हो जाऊँ, दूर ना हो जाऊँ, ऐसा एक नुस्खा बताऊँ आपको, तरीक़ा बताऊँ कि हमेशा हमेशा की जन्नत मिल जाए। आप गौर कर रहे हैं, शैतान ने बदएतमादी और बदगुमानी का जो रास्ता ढूंढा ना, उसमें भी आदम अलैहिस्सलाम के मिजाज को पेश नज़र रखा कि इनको भी बातों में लाना उसी सूरत में मुमकिन है कि जो इनकी तलब है उसी रास्ते को इख्तियार किया जाए। क्या आपको नहीं चाहिए कि आप हमेशा जन्नत में रहें, हमेशा अल्लाह के क़ुर्ब में रहें? वो तो उनकी चाहत थी। का ये दरख्त खा लें, इसीलिए तो आपको मना किया कि ये ना खाएं, ये खा लें और हमेशा हमेशा की जन्नत के अंदर आ जाएंगे। इस कायनात के पहले इंसान को, हम सब के जद्द अमजद को, आदम आला नबीना वालेही सलातु वस्सलाम को और हज़रत अम्मा हव्वा को जन्नत से निकालने के लिए भी शैतान ने उनको अल्लाह से बदगुमान करने की पूरी कोशिश की। ये जुर्म ऐसे चला है, जहनी बदगुमानी इस तरह पैदा की जाती है। आज जिस फितनों के दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारी खराबियां हैं, बातिल के बहुत सारे मंसूबे हैं, बहुत सारी साजिशें हैं, प्लानिंग है, वर्किंग है, सब कुछ है। लेकिन यकीन करें, मैं आपसे सारी बातों का खुलासा अगर दो लफ्ज़ों में अर्ज़ करूं, वो खुलासा ये कि उम्मत को उनके खैरख्वाहों से किसी तरीके से बदगुमान कर दिया जाए, बदगुमान कर दिया जाए। और एक दफ़ा जब इस फ्लोर में, ये जो सबसे ऊपर का फ्लोर है ना, इसको अल्लाह ने रखा ही इसीलिए, उलमा फरमाते हैं सबसे इज्जत की जगह इन बदने इंसानी में उसका सर है। इस इज्जत वाली जगह में अल्लाह ने उसी चीज को रखा जो सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब है। इसलिए ये जो दिमाग है, दिमाग की जो सलाहियतें हैं, जो सोच है, जो फिक्र है, जिस दिन इसके अंदर 19-20 हो जाए, खराबी आ जाए, फिर इंसान को गिरने में लम्हों लगते हैं दोस्तों। फिर ये नहीं है कि वो 50 साल का तकबीर उला वाला नमाजी है, फिर ये नहीं है कि वो जैद आलिम है, फिर ये नहीं है कि ये सफ़े अव्वल में आता है, फिर ये नहीं है कि ये फलां फलां काम से जुड़ा हुआ, नहीं। बदगुमानी के लिए जहन में खराबी का डालना मकसूद होता है, बस कहानी आप बना दें, अल्फाज आप गढ़ लें, उसकी मंजरकशी आप कर लें और वो उसके सामने एक दफ़ा बयान कर दे और वो अगर आपकी बात तवज्जो से सुन लें और उसके पास इस्लामी तर्ज मुआशरत न हुआ और उसने आपकी बदगुमानी को दिल दिमाग में जगह दी, ये नुक्ते आगाज़ होगा इसकी महरूमी का। मौजू वही है शुरू का, इस्लामी तर्ज मुआशरत है। इसलिए हम जिस दीन से जुड़े हुए हैं, जिस दीन के मुत्तबईन और पैरोकार हैं, इसमें हुक्म क्या है? इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बदगुमानी से अपने आप को बचाना होगा। जब तक किसी बात की तहकीक नहीं हुई, उसकी दलील आपके पास नहीं आई, उसकी तहकीक नहीं हुई, किसी मुस्तनद मोतबर ज़राए ने उस पर तहकीक की मोहर नहीं लगाई, कभी भी याद रखे, इंसान को किसी बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए। आज इस चीज़ ने हमें इतना गिरा दिया है और मुसलसल हम गिर रहे हैं कि हम कहानियां सुनकर रात और दिन के फैसले बदलते हैं। सुबह एक है, शाम को कुछ है, शाम को कुछ है, सुबह कुछ है। सुबह उसके तराने पढ़ेंगे, रात को उसको सलाते सुलाएंगे, रात को उसकी तारीफें करेंगे, सुबह उसकी बुराइयां बयान करेंगे। भाई क्या हो गया, कल तक तो आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, बस यार
रात को किसी ने उनकी ज़िंदगी के बारे में ये बता दिया, बस किसी ने बता दी। अब किसी ने बता दिया, वो किसी ने बताने वाला कौन, खुद कितने पानी में है, जो बताया उस बात में हकीकत कितनी है। फिर मैं इस तर्ज़ इस्लामी माशरत को नहीं जानता हूँ कि मुझे मेरा दीन मना कर रहा है कि एक आदमी की बात सुनकर अपने आप को बदगुमान मत करो। जब तक तुम्हें 100% तहकीक न हो जाए, किसी की बात को सुनकर एतमाद करके उसको आगे फैलाना, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, किसी की बात को सुनकर बग़ैर तहकीक किए उसको आगे फैलाना, सूरतुन निसा पारा नंबर 5 में इसको मुनाफिकीन का तरीक़ा कहा गया। तो मुनाफिक करते हैं कि बेवजह की अफवाहें बातें फैला के माहौल को ख़राब करते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, बस बात का ख़ुलासा ये है, हासिल ये है, आज ये फितना हमारी तरफ पूरे उरूज के साथ मुतवज्जे है। हम अपने बड़ों से, अपने अकाबिर से, अपने खैरख्वाहों से, अपने मुसलिहीन से एक जुमले और एक कहानी को सुनकर बदगुमान हो जाते हैं। ये मरज़ अंदर आ जाता है, बाद में पता चलता है कि बताने वाला खुद 20 नंबर आदमी था, 2 नंबर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हम बहुत बाद में सोचते हैं। इसलिए एतमाद करें, हुस्ने ज़न करें, तो इतना ईमान मजबूत रखें कि कम से कम किसी की बातों में आकर अपने खैरख्वाह से इतना जल्दी मत हटें। ये चीज़ हमें बातिल की गोद में जाके गिरा देता है और फिर उसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाइन। या अल्लाह या अरहमर रहीमीन, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरन बातिनन हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। जितने बीमार घरों में, अस्पतालों में, सबको शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा दे। जितने मरहूमीन मरहूमात दुनिया से चले गए, या अल्लाह सब की मगफिरत फरमा दे। हम सब का खातिमा बिल ईमान व बिल खैर नसीब फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से, फ़ज़ल व रहमत से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।